क्या हाल है मेरी जान। एक बार फिर से आपका स्वागत है डेड राइजिंग 4 के पार्ट 7 में। तो पिछले 6 पार्ट में बहुत ज़्यादा पंगा पड़ गया था और हमें पता चल गया था कि जो फ्रैंक की गर्लफ्रेंड है जिसका नाम विक चू है, वो मिलिट्री के साथ ही पता नहीं वो ज़बरदस्ती उसको अपने साथ रख रहा है। लेकिन अभी वो कह रही थी जो ब्रिज पर बंदे हैं उनके साथ वो सुलह मशवरा करने जा रहे हैं, तो इसी कारण पॉला ने मुझे भेजा है कि तुम उससे पहले वहाँ पर जाओ और देखो और उन्हीं से ही हम उसका विक का पता लगा सकते हैं। तो अभी मैं उन बंदों के पास आ गया जहाँ पर वो अपना साझेदारी जो भी समझौता करने जा रहे थे, अभी मैं उस जगह पर आ चुका हूँ। और शिट, मेरी गर्दन पर किसी ने एरो मारा, लगता है बेहोशी वाला है। तो पॉला कहती कि जल्दी से जाओ और विक के पहुंचने से पहले हमने इन्वेस्टिगेट करनी है और उन्हीं बंदों से हमें पता चल सकता है कि जो विक है अभी कहां पर रह रही है और जो डार्सी है, डार्सी भी हमारा बंदा है, वो कहां पर रह रहा है। तो अभी मुझे पूरी तरह से ढोश कर दिया है और कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा दोस्तों, सच बोलूं तो इतना सीरियस बोलकर। अच्छा, इतना अंधेरा क्यों है? हेलो हेलो दोस्तों, हेलो हेलो, अंधेरा कायम रहे शक्तिमान। अबे क्या हो गया? ये मेरा कैमरा, मेरा DSLR। ओके, मुझे बेहोश कर दिया है। तो ये वही बंदे हैं जिनके पास वो आ रहे थे समझौता करने के लिए। विक कह रही थी कि तुमने उसके बंदे मारे, उसने तुम्हारे मारे हैं, तो मैं जाती हूँ बीच में, डील करूँगी, डील के बाद हम इस फाइट को फिनिश करेंगे जो भी हो रही है। और मैं इनके पास आ चुका हूँ क्योंकि इन्हीं को ही पता है विक किधर है। फ्रैंक, व्हाट द हेल यू, क्या तुम इधर क्या कर रहे हो? वो कह रहा है तुम क्या कह रहे हो? वो कह रहा है कि तुम इधर क्या करने आए? वो कह रहा है मैं तो बस ऐसे ही आ गया। वो कह रहा है तुम फोटोग्राफर हो? वो कह रहा है यस, नेशनल ज्योग्राफिक। वो कह रहा है मैंने आपको ढूंढ लिया, आप सबको ढूंढ लिया। टॉम कह रहा है ग्रेट। अच्छा, ये टॉम इधर का मालिक है। टॉम का ये टॉम का अड्डा है ना। टॉम के चेहरे को क्या हो गया यार? अभी वो कह रहा है विक वाज हियर। वो कह रहा है शी इज यू, वो तुम्हारे साथ है। वो कह रहा है यस, वो मेरे साथ है। वो कह रहा है कि अभी तुमको भी मानना पड़ेगा क्योंकि उसने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। लिसन, फॉर दिस आई वाज अ रैंचर, प्लंबर, ऑक्शन कॉलर, अ बुचर, नाउ वी सोल्जर्स। फ्रैंक, वर्ल्ड एंड द सेम प्लेस। यू वांट टू स्टे इन विलेमेट, यू वांट टू टेक योर पिक्चर्स, यू गोना हैव टू बी अ सोल्जर टू माय सोल्जर। वो कह रहा है कि तुम मेरे साथ काम कर सकते हो, अपनी पिक्चर निकाल सकते हो जिसके लिए एविडेंस इकट्ठे करने कर सकते हो, हम सप्लाई को शेयर कर सकते हैं, बिजनेस को कायम कर सकते हैं। और वो कह रहा है कि जो तुम्हारी फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, उसने मेरे साथ धोखा किया है। लो अपना कैमरा, मेरे साथ धोखा करने की कोशिश नहीं करना। वो कह रहा है कि मैं वो मतलब जो हमारा प्लेयर ऑफ रैंक, वो कह रहा है कि मैं विक से बात करूंगा कि वो अगर उसने आपको धोखा दिया है तो मैं इस मसले को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। वो कह रहा है ठीक है, तुम मेरी तरफ से जाओ बात करने के लिए, अपने बंदों को ढूंढो और इस मसले को सुलझाने की कोशिश करो। अगर कोई चलाकी की मेरे साथ तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा, खा लूंगा, तुम्हें मार दूंगा। तो अभी बाहर जा रहे हैं, अभी मुझे जाना है फाइंड द हैमोंड। हैमोंड के पास जाएंगे, शायद उसको पता हो विक का या डार्सी का, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर आउट द शेल्टर। अभी यार शेल्टर वालों, मुझे पक्का ही रख लो, मुझे पक्का ही रख लो, जब भी कोई भी मिशन आता है ये शेल्टर वालों को पहले भूत चिमट जाते हैं। ये मेरे पहले कहने लगते हैं यार आओ हमें बचाओ, हमें बचाओ, ज़ॉम्बीज आ गए हमारे पास। यार कितनी सुंदर गाड़ी है यार, अच्छी है। वैसे इन हालातों में इसी को सुंदर बोलना पड़ेगा, काफ़ी गजब है भाई। किसी से बात तो नहीं करनी है एक्चुअली। शिट यार, पता नहीं चलती गाड़ी से कूदने की ज़्यादा ही कुछ आदत हो चुकी है मुझे। एक्चुअली ओके, वो कह रही है कि मैं इधर जो हथियार है छुपा कर बैठी हूँ उसकी सिक्योरिटी के लिए मैं इधर खड़ी हूँ। ठीक है, खड़ी रहे, मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ अभी, बाय बाय। भाई गाड़ी की आवाज़, गाड़ी की आवाज़ काफ़ी गजब है, मज़ा आ रहा है इसको चलाने में। अबे खोलो, खोल दे, नहीं खोलेगा, तोड़ने पड़े। अभी चला क्यों रहा है यार? मैंने तुझे बोला तो था खोल दे इसे, तू ही बोला नहीं खोलूंगा मैं, तो मैंने तोड़ दिया। पॉला कह रही है फ्रैंक को, अभी मुझे पॉला का फोन आया, वो कह रही है कि डार्सी से मेरा कॉन्टैक्ट हुआ है। डार्सी बता रहा है कि जो मिलिट्री वाले बंदे उसे टॉर्चर कर रहे हैं, उसे टॉर्चर कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन उससे उगलवाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम फटाफट जाओ उसके पास,
लेकिन अभी बोला इन शेल्टर वालों का जो पंगा है ना, हर बार पंगे में फंसे रहते हैं। तो जो स्टोरी है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती ही जा रही है। तो डार्सी को मिलिट्री ने पकड़ा है, डार्सी का पता जो है हमें हैममोंड से पता चलेगा, हैममोंड। हाँ, तो पौला कह रही है कि मेरी उससे बात हो चुकी है, लेकिन पौला को उसका एड्रेस नहीं पता। डार्सी कह रहा है कि मुझे नहीं पता किसी अंधेरे वाले कमरे में मुझे रखा है, अभी मुझे हैममोंड के पास जाना पड़ेगा, जो टॉम की बंदी है या बंदा है जो भी है, वो टॉम का बंदा है। टॉम कह रहा है तुम मेरी तरफ से जाओ, पता नहीं भाड़े का टट्टू बना लो यार, मुझे हर तरफ मेरे पीछे पड़े हैं यार। और ये शेल्टर वाले, इनका तो काम ही यही है भाई, बचाओ, हेल्प करो, कभी मेरी भी हेल्प कर दिया करो यार। चलो इधर ज़ॉम्बी क्लियर करके शेल्टर वालों को बचा ही लेते हैं यार। तो मेरे हिसाब से मैंने सारे ज़ॉम्बी खत्म कर दिए, अरे मर जाना यार, चिल्ला चिल्ला हो रुचि चिल्ला। तुम्हें पता है ना यार, हर बार मुझे बुलाते हो यार, हेल्प हेल्प आई नीड हेल्प, मर जा यार। ये जो आयरन स्वॉर्ड है, आयरन नहीं यार, आइस स्वॉर्ड है। हाँ, नाइट्रोजन स्वॉर्ड मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, वन ऑफ द फेवरेट वेपन बन चुका है मेरा इस गेम का। तो मुझे लगता है कि बंदे इधर है। हाँ, मैंने सारे बंदों को छुड़ा दिया है, सारे बंदे सही सलामत हैं, लग तो कुछ ऐसे ही रहा। अबे बंदे है किधर, ओए चलो शीशे देख लेते हैं यार, अपनी ड्रेस चेंज करके देखता हूँ। हाँ, चेंज क्लोथ नहीं यार, ये सही नहीं है यार, इसमें इसकी बॉडी कम हो जाती है यार, वो नंगू पंगू में बॉडी ज़्यादा रहती यार, ये बॉडी भी नॉर्मल ही लग रही है यार मुझे। नहीं नहीं, चेहरा बंदर जैसा चेहरा, जैसे हुला हु जंगली हो यार, जंगली बंदा नहीं चाहिए, यही सही है। नंगू पंगू यार, ये देखिए इसका स्टाइल देखिए, यही सही है यार, यही सही है, जिन जैसा दिखता है। खैर है, कौन सा खैर है, इसे ले चलते हैं। कैफेटेरिया में है कोई ज़ॉम्बी नहीं है। तो मुझे लगता है कि शेल्टर वालों की जान बचा रही है, अभी मुझे फटाफट फाइंड द हैममोंड को फाइंड करना पड़ेगा, देन उसके बाद ही मुझे पता चलेगा। अबे बाहर जाने का रास्ता तो बता दो किधर है यार, पता नहीं मैं 10 बार आ चुका हूँ और 10 बार नए नए दरवाजे खुल जाते हैं और बाहर जाने का रास्ता बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ढूंढना यार। अच्छा तो तुम लोग इधर हो, इनको बचाया मैंने इन तीनों को, हैं कितने फुद्दू है, अगली बार दरवाज़ा बंद रखना, हर बार मुझे बुलाते हो, आओ मुझे बचाओ, आओ मुझे बचाओ, दरवाज़ा बंद नहीं रख सकते यार, हर बार लॉक लगा कर रखो। पता नहीं कहाँ से ज़ॉम्बी को अंदर भाग देते हैं। चलो निकलते हैं इधर से यार, फटाफट हैममोंड को फाइंड आउट करते हैं, देन उसके बाद ही हमें डार्सी का पता चलेगा, और डार्सी को छुड़वाएंगे तभी मैं विक के पास पहुँच सकूँगा। आफ्टर ऑल इसकी गर्लफ्रेंड है यार, तो बचाना तो पड़ेगा ना, फ़र्ज़ बनता है हमारा उसको बचाने का। चलो खैर है, निकलते हैं इधर से। हैममोंड 118 मीटर दूर है, लेकिन इधर से इधर के मीटर कुछ ज़्यादा ही लंबे होते हैं। आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ हैममोंड आ रहा हूँ। पता नहीं ये लड़का है या लड़की है, जो भी है, और काम है गंदा है, पर गंदा है करना तो पड़ेगा। हाँ आ चुका हूँ मैं। अच्छा इधर ही है, इधर ही फाइट हो रही है। अभी अंदर आने का रास्ता किधर है, हैममोंड मुझे तू तो दिख गई, लेकिन अंदर किधर से आऊँ, हैं किधर से आऊँ अंदर मैं, ऐ फंस गया मैं। नहीं इसे ओपन नहीं करूँगा मैं, शायद इसके बीच और ज़्यादा ज़ॉम्बी हो। ट्रक के ऊपर चढ़ के देखता हूँ। यस यस लेट्स यस, अबे चलना ऊपर नहीं जाएगा, नहीं यार इधर रास्ता नहीं, मुझे लगता है कि ऊपर से घूम कर आना पड़ेगा। भाई साहब एक हमर और खड़ी है इधर, इसको भी उठाऊंगा नेक्स्ट अगले जब इधर से जाऊंगा तो इसी को उठाऊंगा। हैममोंड इधर ही है मुझे लगता है, हाँ इधर फाइट हो रही है तगड़ी वाली। हाँ हैममोंड में आ चुका हूँ, ये ले मेरी तलवार के मज़े, हैवी है लेकिन नहीं मेरी तलवार यार, ये सब सस्ते हैं यार, क्योंकि मेरी तलवार महंगी है। आ जा बस, इतने बंदे थे, इतने काम के लिए बुला था मुझे हैममोंड। हैममोंड लड़की है, यस कम ऑन आ गया। अच्छा और कौन है, किसकी हेल्प करनी है फॉर द हैममोंड? ओके चलो चलो चलो, फ्रैंक वेस्ट, फोटो जर्नलिस्ट हूँ मैं भाई। अच्छा तूने गैस कर लिया था, तो पूछती क्यों थी, हैं बेइज्जती करने के लिए? बस के अंदर जाऊँ, चल छोड़ रहने दे, बाहर ही चल। इवैक्यूएशन ट्रांजिट, किसकी हेल्प करनी है पता तो चले। अच्छा ये तो ज़ॉम्बी बनने वाले हैं, छोड़ दे इनको। अच्छा मेडिकल अटेंशन चाहिए, ओके वो कह रही है कि इनको मेडिकल अटेंशन चाहिए, और इधर से और कुत्ते आएंगे और उनको तुमने मारना है, और कुत्ते का मीन्स और एनिमी आएंगे उनको तुमने मारना है, और उनको इनके पास पहुंचने से रोकना है, गोली लगने से रोकना है, अपने सीने पर गोली खानी है इनको बचाने के लिए। लेकिन पता नहीं ये है कौन है, पता नहीं मुझे लगता है ज़ॉम्बी बोल के तुम्हें काट देंगे। रुक जा बे, ये फीड द, अभी क्या लिखा होता है, ऑब्सकरिस ऑब्सकरिस, कितना मुश्किल है यार ऑब्सकरिस, सही है प्रोनाउंस, सही है सही। चलो और बंदे ढूंढो, बस इतने थे
हेमंत इतने थे हेमंत की हेल्थ आ रही है, वो कह दिया है मुझे गोली लगनी चाहिए, फटाफट इनको मारो मारो मारो, मार रहा हूँ। लेकिन यार ये बर्फ नहीं जम रही यार इनकी, यार जॉम्बी भी जमती है ना तो मस्त लगते हैं यार वो। मेरे पास भी गन है चूतिए, तुझे समझा मेरे पास गन नहीं है, हैं अबे जल्दी करो। अच्छा ये किसी किस्म का हॉस्पिटल के सामने लेट गया, अच्छा डॉक्टर तो है नहीं हॉस्पिटल के बाहर, बह के खुद ही इलाज कर रहे हैं, इससे अच्छा तो इसके बाहर ही इलाज कर लेते, गाड़ी जोड़ी में इलाज कर लेते, जरूरी था इधर आना था इनसे पंगा लेना कुत्तों से। अरे मेरे पास भी है, नहीं यार पता तलवार के मज़े नहीं आते, इतने ज़्यादा मज़े नहीं आ रहे यार। न्यू करैक्टर एक्सो ट्रूपर, ओके नया करैक्टर मिल गया मुझे यार, हैं ओ भाई हैवी आ गया, ओहो हो 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 ये पहुंचे गए तक। अभी मुझे अपनी स्वॉर्ड निकालनी पड़ेगी क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, देखा एक एक बार में ढेर, एक बार में ढेर हो गए। बस बस इतने थे बंदे यार, यार हल्के फुल्के काम के लिए मत बुलाया करो मुझे। हेमंत मेक श्योर यू आर गॉट द बैंडेजेस, ओके वो सही है अभी, ऑलराइट यस। बताओ बताओ मुझे मेरे बंदे की तरह, डार्सी की तरह, विक की तरह बताओ ना यार। सिटी कीज, पूरे शहर की कीज दे रही है, वो कह रहे हैं कि तुम उधर से जाओगे तो डोर आएगा उसको खोल के उसके अंदर चल जाना। वो कह रहे हैं कि तुम्हारे पास पूरे सिटी की कैसे है, वो कह रही है कि इस सब के पहले ज़ॉम्बी जब आए थे इन सब के पहले मैं सिटी की चीफ इंजीनियर थी, सो दैट्स व्हाई सारी सिटीज की जितने भी डैम डूम है अच्छी जगह उनकी सारी कीज मेरे पास रहती थी, तो वो कीज मुझे मिल चुकी है। अब भी मैं सीधा डैम पर जाऊंगा और डैम पर जाकर देखूंगा शायद मुझे उधर डार्सी और विक दोनों मिल जाए। अभी मैंने ब्रैड को बता दिया है, ब्रैड वो बंदा है जिसके साथ मैं हेलीकॉप्टर क्रैश के साथ गिरा था, वो मेरे साथ वाला है, वो ओरिजिनल मिलिट्री है, वो मेरा साथ दे रही है ओरिजिनल मिलिट्री। अगर आपने नहीं देखा तो पार्ट सेकंड में जाकर देखिए, ब्रैड वो बंदा है और वो मुझे हर वक्त गाइड करता है और वो कह रहा है कि अगर क्या होता है, अगर आपको ज़्यादा इमरजेंसी पड़े, ज़्यादा जरूरत पड़े तो बस मुझे एक फ़ोन घुमाना, मैं फट से हाजिर हो जाऊँगा। लेकिन यार हर बार मरने मरने बचता हूँ, कोई आता नहीं बचाने के, ये सब कहने की बातें होती हैं, सरकार की नीतियाँ होती हैं, मिलता कुछ नहीं घंटा मिलता है। अभी गाने गजब बज रहे हैं और ये मेरी लाल हमर, वाह क्या दिखती है, क्या चलती है, मज़े आ जाते हैं इसको चलाने में। तो अभी मैं जा रहा हूँ डार्सी कह सकते हैं या फिर डैम के पास, डैम में जा रहा हूँ और चाबियाँ चुकी मुझे मिल चुकी है और ये पार्ट 12 मिनट लंबा हो चुका है। अभी हम पहुँच जाएंगे और उसको इन्वेस्टिगेट बाद में करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, अभी देख लेते रास्ते में कहीं हमारा कंडम ना हो जाए यार। ओए यार कितने ज़ॉम्बी है यार, सच में यार मैंने ज़ॉम्बी वाली गेम तो बहुत खेली है लेकिन इतने ज़ॉम्बी लाइफ में पहली बार देखे हैं। ओके ओके होली शिट अ न्यू स्ट्रेन एन ओल्ड वन दैट द कबेज़ ओल्ड सो डोंट गेट बिट आई विल टेक इट अंडर सीरियस एडवाइस। ब्रा अभी अभी मुझे फोन आया, वो कह रहा है कि मतलब ज़ॉम्बीज है वो बढ़ते ही जा रहे हैं और जो ज़ॉम्ब्रेक्स दवाई थी जिसका हमने पहले पार्ट में जिसकी इमेजेस निकाली थी, वो कह रहा है कि वो दवाई उन पर काम कर रही है, वो दवाई से वो ठीक हो रहा है और हमें उसकी बहुत सारी क्वांटिटी चाहिए बंदों को ठीक करने के लिए। ओके हमने बोल दिया हम दवाई भी ले आएंगे भाई साहब, जो मर्जी करवा लो हमसे, हम तो रहे बस हम हैं यम। अगर फोन है चेक स्टोरी होगी, अभी मुझे स्टोरी की बात मत करो, अभी मैं सीधा डैम पर जा रहा हूँ, डैम में जाकर ही पता चलेगा क्या होता है। ये डैम है हाँ, डैम में तो ज़ॉम्बी की बरात आ चुकी है, अरे किसी ज़ॉम्बी की लगता है शादी हो रही है इधर। अरे नहीं भाई साहब इधर तो एनिमी भी है, ओ शिट, लेकिन एनिमी को मैं कोशिश करूँगा कि गाड़ी से ही कुचल दूँ। अबे मर जाना गाड़ी के नीचे आकर, क्या अमर है तू यार हाँ। तो फाइनली दोस्तों मैं डैम में आ चुका हूँ, अगर आपको इस गेम की स्टोरी नहीं पता तो क्या कर रहे हो यार, मेरे चैनल पर जाइए विजिट कीजिए और पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक सारे पार्ट देखिए और इसकी स्टोरी समझिए, काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग गेम है। और आज की वीडियो को हम इधर ही समाप्त करते हैं क्योंकि इधर अगर हम रेगुलर करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा, 30 मिनट लंबा हो जाएगा। तो जो डैम का किस्सा है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में सॉर्ट आउट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपने कर रखा है तो दिल की गहराइयों से, गहराइयां होती है तो दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जल्द मिलेंगे नए गेम पे, नए वॉकथ्रू में, रिव्यू के साथ, तो तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।